इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक महिला को बेटा होने के नाम पर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी के द्वारा महिला के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर उसका आर्थिक शोषण भी किया गया और महिला से करीब 12 लाख रुपए की वसूली भी की गई। वहीं इस मामले में प्रताड़ित महिला ने पूरे मामले की शिकायत विजयनगर थाने में की है, जिस पर से पुलिस ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पीड़िता की वर्तमान में 2 बेटियां हैं और बेटा होने के लालच में वो आरोपी के जाल में फंस गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस दौरान आरोपी द्वारा उसके कुछ अश्लील फोटो और वीडियो भी निकाल लिए। इसके माध्यम से पीड़िता को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की राशि वसूल की गई थी, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला के द्वारा थाना विजयनगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके द्वारा ये बताया गया कि वो ऑटो में जब अपने मायके जा रही थी अपने पति के घर, तभी ऑटो में एक व्यक्ति मिला था, उससे उनकी बातचीत हुई और ऑटो वाले ने बातचीत में कुछ दिन बाद ये बताया कि तुम्हारी कितनी लड़कियाँ, तो उसने बताया मेरी 2 लड़की हैं। तो उन्होंने बोला अगर तुम्हें लड़का चाहिए तो फिर तुम्हें तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, मैं पूजा की विधि जानता हूँ। मुझे कालका मंदिर में बुलाया उसने, फिर उसके बाद मुझे एक होटल ले गया और होटल में एक जो है होटल में ले गया और वहाँ पर उसने द्वारा कुछ मुझे नशीला पदार्थ खिलाया गया। उसके बाद बेहोशों की मेरे साथ गलत काम किया गया, उसके वीडियो फुटेज भी बना लिए गए और वीडियो फुटेज बनाने के बाद फिर मुझसे पैसे की मांग की और लगभग मेरे ज्वेलरी भी मैंने मुझे देनी पड़ी। तो कुल मिलाकर 12 लाख रुपये मुझसे इसके द्वारा ठगे गए हैं। तो कुल मिलाकर ब्लैकमेलिंग के माध्यम से लिए गए हैं। तो इस आधार पर थाना विजयनगर में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत ब्लैकमेलिंग की तरफ से केस रजिस्टर किया जाएगा। आरोपी तलाश जारी है। होली पर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में लगी इंदौर पुलिस ने मंगलवार को जमकर होली का आनंद लिया। डीआरपी लाइन में पुलिस ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाया। वहीं पुलिसकर्मियों ने पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता और अन्य अधिकारियों के साथ में मिलकर होली मनाई। इंदौर पुलिस कमिश्नरी में आने वाले करीब 42 थानों के अधिकारियों, थाना प्रभारियों और पुलिस जवानों ने डीआरपी लाइन पर जमकर होली खेली। पुलिस की होली में अधिकारी से लेकर जवान तक होली के रंग में डूबे नजर आए। पुलिस कर्मियों ने डीजे पर जमकर डांस भी किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को अबीर रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने होली के गाने गाए, जिस पर पुलिसकर्मी जमकर थे। इस दौरान पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, एडिशनल सीपी सहित यातायात एडिशनल सीपी और इंदौर के सभी डीसीपी, एसीपी और करीब 25 से ज्यादा थाना प्रभारी भी होली में मौजूद रहे, जहां पुलिसकर्मियों ने फायर फाइटर से पानी उड़ाया और कीचड़ होली में एक दूसरे को मिट्टी से सराबोर कर दिया। पुलिस होली के बारे में कमिश्नर राकेश गुप्ता ने बताया, होली की ड्यूटी से फ्री होने के बाद आज पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी अपने अधिकारियों के साथ होली खेल रहे हैं। जैसे शहर ने शांति व्यवस्था के साथ होली खेली, इसी तरह की होली आज खेली जा रही है। इस दौरान उन्होंने रंगपंचमी पर हुड़दंग मचाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इंदौर की विश्व प्रसिद्ध गेर में किसी ने बोरियां और फटे हुए कपड़े फेंकने की कोशिश की या हथियार लेकर गेर में शामिल हुए तो उन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी। बिल्कुल सही है, कल मुझे लगता है कि हमारे पूरे शहर ने होली मनाई और बड़े हर्षोल्लास के साथ होली कल मनी है। और आज जब कल पूरी रात भर की ड्यूटी करने के बाद पुलिसकर्मी आज अपनी होली मना रहे हैं, बड़ी खुशी और हर्षोल्लास का माहौल मैं देख रहा हूं कि मेरे सभी कर्मचारियों के बीच में है। और होली हमेशा से ही एक खुशी और हर्षोल्लास का त्यौहार रहा है, तो आज पुलिसकर्मी भी इसको मना रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से लेडी सब इंस्पेक्टर का लठमार होली का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर एक छात्रा ने मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को ट्वीट किया है, जिसमें वो सब इंस्पेक्टर पर कार्यवाही की मांग कर रही है। मामला लसूरिया थाना क्षेत्र का है। यहां पदस्थ लेडी सब इंस्पेक्टर को अनाउंसमेंट कर लोगों को समझाइश देना भारी पड़ गया। कल पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जा रही थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं इंदौर से लेडी सब इंस्पेक्टर का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी में बैठी लेडी सब इंस्पेक्टर अनाउंस करती नजर आ रही है कि जनता से निवेदन है कि आचार संहिता का ध्यान रखें और अपने अपने घर चले जाएं। होली खेलने का समय 4 बजे तक का निर्धारित किया था, अपने घर रहें वरना पुलिस द्वारा लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कानून की छात्रा ने निर्वाचन आयोग और सरकार को ट्वीट कर कार्यवाही की मांग की है। वहीं इंदौर पुलिस का कहना है कि वीडियो को वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है और उसकी जाँच हो रही है। इस मामले में डीसीपी के द्वारा एक शोकॉज नोटिस भी जारी किया है और आए हुए तथ्यों के आधार पर पुलिस कार्यवाही करेगी। सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया है, इसकी जांच की जा रही है। इसमें डीसीपी सर के द्वारा शो कॉज नोटिस भी इशू कर दिया गया है। इसमें आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिले की
कमान संभालने वाले नवगत एसपी धर्मराज मीणा ने सेगांव पुलिस चौकी पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेगांव पुलिस चौकी का निरीक्षण कर संपूर्ण पुलिस चौकी क्षेत्र की जानकारियां ली। वहीं चौकी पर लगे सीसीटीवी कैमरों का भी निरीक्षण किया एवं उस पर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपराधियों पर नकेल कसें और लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, जो पुलिस का सहयोग करें ऐसे लोगों को प्राथमिकता दें, प्रोत्साहित करें, अपराधों पर अंकुश लगाएं। उन्होंने पुलिस कर्मियों से भी जानकारियां ली। उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी खास हिदायत दी कि वे प्राथमिकता के साथ फरियादी की सुनवाई करें। इस दौरान ऊन थाना प्रभारी गणपत कनेल, चौकी प्रभारी भोजराज परमार, लक्ष्मण सिंह राठौर व पुलिस चौकी स्टाफ मौजूद था। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्री मीणा ने निर्देश दिए कि निमाड़ के प्रमुख त्यौहार गंगौर पर्व पर भी चाक चौबंद व्यवस्था बनाएं व पुलिस चौकी की सीमा का सीमांकन कर तार फेंसिंग करवाएं, पौधारोपण करें। इस अवसर पर पत्रकार संजय जायसवाल से भी चर्चा कर क्षेत्र व नगर संबंधित आवश्यक जानकारी दी। जबलपुर में सोमवार को होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार की रात को हनुमान ताल क्षेत्र के मछली मार्केट में दो समुदाय के बीच विवाद की खबर सामने आने के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। आपको बता दें कि हनुमान ताल में दो अलग अलग समुदाय के लोग निवास करते हैं और ये क्षेत्र अति संवेदनशील इलाकों में आता है। विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस के आला अधिकारी विवाद जैसी किसी भी घटना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि होली पर रंग गुलाल को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। पुलिस ने समय पर आकर स्थिति को संभाल लिया। पुलिस ने आला अधिकारी विवाद की बात तो कर रहे हैं लेकिन पुलिस के आला अधिकारी विवाद की बात तो कर रहे हैं लेकिन विवाद का कारण नहीं बता रहे हैं। मछली मार्केट पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस के आला अधिकारी ने इलाके में पुलिस गश्त और फ्लैग मार्च को बढ़ा दिया है। इस समय देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगी है। इसके साथ ही होली और पवित्र रमजान का माह भी चल रहा है। पुलिस किसी भी कीमत पर जबलपुर में अमन और शांति कायम रखना चाहती है। देखिए, यहाँ पे कुछ एक विवाद की सूचना आई थी, उसको देखिए आपको जैसे पता है पुलिस अलर्ट रह ही रही है। दो दिन से हम कांस्टेंट चेकिंग और पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च वगैरह कर रहे हैं, तो उसी के तारतम्य में इन जनरल पूरे एरिया की सुरक्षा देखने के लिए हमने फोर्स डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया है। तो मैडम इसी एरिया में किया गया है, क्या बात है? कुछ एक विवाद की सूचना थी तो उसके रेफरेंस में एज प्रिकॉशन हमने यहाँ पे फोर्स डिप्लॉयमेंट करा हुआ है। असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की घटना के विरोध में सकल हिंदू समाज ने अनिश्चितकालीन नगर बंद का आह्वान किया। धार जिले के धर्मपुरी में कल शाम नर्मदा तट पेड़ी घाट पर असामाजिक तत्वों द्वारा फेंके गए पत्थर की घटना के बाद आज मंगलवार को सकल हिंदू समाज ने नगर बंद का आह्वान किया, जिसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। नगर बंद का समर्थन करते हुए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। वहीं आज मंगलवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार भी नहीं लग पाया, जिसके कारण नगर पूरी तरह से सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा नगर में अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। हिंदू समाज का आरोप है कि असामाजिक तत्वों पर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण नगर में आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। कल शाम को नर्मदा नदी तट पेड़ी घाट पर हिंदू बहनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के विरोध में प्रशासन के लचीले व्यवहार के खिलाफ आज सकल हिंदू समाज ने अनिश्चितकालीन नगर बंद बुलाया है। वहीं नगर एवं चौराहों पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। धर्मपुरी नगर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नगर की शांति भंग की जा रही है, इसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज ने आज बंद रखा है। कल शाम की घटना है कि कुछ हिंदू बहनें दीपदान के लिए पेड़ी घाट पर गई थी, उन पर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। और पूर्व में भी कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें प्रशासन का जो रवैया है वो ढुलमुल नज़र आया, जिसमें हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है।